क्वेश्चन नंबर 1, 10.1। तो पहला सवाल है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके निर्देशांक -4, -5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ये एक्स और वाई निर्देशांक, मतलब एक्स और वाई एक्स हो गया। पहला बिंदु इसमें दिया है -4, 5, तो एक्स पर -4 और वाई पर 5 प्लस का, यानी इस बिंदु को जब मिलाओगे तो ये वाला बिंदु दिया है -4, 5। चतुर्भुज का एक शीर्ष आ गया, दूसरा है 0, 7, एक्स का 0 और वाई का +7, यानी ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे एक्स 0 हो गया और वाई +7। दूसरा बिंदु ये है, इसको ए बी, उसके बाद 5, -5, एक्स पर 5 एक और वाई पर -5, एक 2, 3, 4, 5, ये -5 हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा ये वाला 5, -5, इसको सी नाम दे दो, और -4, -2, एक्स पर -4 ये, और वाई पर -2 यहाँ पे, ये और ये वाला बिंदु, ये हो गया डी, -4, -2। तो इनसे जो चतुर्भुज बनेगा इनको आपस में मिला दो, ये चतुर्भुज बन गया। अब ये मिटा देते हैं। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये तो काफी अटपटा ही बना दिया। क्या कहना चाह रहा है ये? या तो एक काम करते हैं, इसको क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको 2 त्रिभुजों में बदल लो, है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ मिला दो, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के बराबर आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सूत्र जानते हैं, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2, अभी बताया था y1, है ना, तो y1 का मान इस वाले त्रिभुज में कर रहे हो तो इसको x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, इसके निर्देशांक थे 0, 7। कर लोगे? चलो एक का निकाल ही दो। तो xy1 क्या हो जाएगा यहाँ, 5, x2 - x3, 0 + 4, प्लस y2, 7 के साथ तुम कर लो, क्या हो रहा है, y2 क्या आएगा, 7 × x3 - x1 + y3 - 2, x1 - x2, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2
5 इंटू 4 20, ये हो गया 0, और यहाँ से प्लस का 8, तो 28 बटे 2 यानी 14। तो त्रिभुज एबीसी एबीडी का क्षेत्रफल लिया गया, और ऐसे ही दूसरा और निकाल देते हैं। चलो इसका दूसरा आप निकाल ही लोगे, शॉर्ट में कर दूं। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल सीधा डायरेक्ट 1/2। इस वाले का तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इनको मान लेंगे। y1 यानी 7, 5 प्लस 4, x2 माइनस x3, प्लस y2 माइनस 5, x3 माइनस x1, प्लस y3 माइनस 2, x1 माइनस x2, 0 माइनस 5। इसको सरल करेंगे तो 1/2, 5 इंटू 4 9, 63, ये माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस का 20, प्लस 10, 93/2। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका मान रख देंगे यहाँ पे, 14 प्लस 93/2, 28 इंटू 93, 28 प्लस 93, 25, ये 31, 121/2। ये दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो करके देख लेना, देखना क्या है। ठीक है ना, क्षेत्रफल है, इसीलिए इसको लिख दोगे वर्ग इकाई। तो ये हमारा आंसर हो गया। दस पॉइंट एक का दूसरा है, 2a भुजा के संभव त्रिभुज का आधार वाई एक्स के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा 2a है और आधार उसका वाई एक्स पर है, इस प्रकार है कि उस आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, यानी वो त्रिभुज इस प्रकार से एक शीर्ष इनको मिला दिया और इस प्रकार से है वो त्रिभुज। तो ये इसका आधार है जो वाई एक्स के अनुदिश है, और इसका आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, 0 0 पर। ठीक है, तो ये हो गया मूल बिंदु, ये इसके आधार का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब टोटल ये लंबाई आपको दे रखी है इसकी भुजा की 2a, तो टोटल समबाहु त्रिभुज जो है इसकी भुजा की लंबाई 2a है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो a ऊपर होगा और a नीचे की तरफ, तभी टोटल लंबाई 2a है। तो इसका निर्देशांक ये बिंदु क्या आ जाएगा, 0, a, और ये वाला 0, -a नीचे की तरफ है, यानी इस बिंदु पे x निर्देशांक तो 0 है और y निर्देशांक यहाँ प्लस a है और यहाँ पे माइनस का a। तो ये दो बिंदु तो मिल गए, तीसरा बिंदु या तो यहाँ होगा या ये संभव त्रिभुज हो सकता है इधर बन जाए इस तरफ, ऐसे, तो फिर यह तीसरा बिंदु इधर हो सकता है। इनका वाई निर्देशांक तो हमें पता है 0, एक्स एक्स पे है, एक्स एक्स पे ही आएगा, एक्स निर्देशांक हमें नहीं पता। तो या तो x निर्देशांक नहीं पता, उसको x ही मान लो, है ना, तो संभव त्रिभुज की
के शीर्ष 0, a 0, -a तथा x, 0 है। x, 0 हमने मान लिया और x का मान निकाल देंगे। तो ये बिंदु मान लो a, b, c और ये d। अभी तो इस पे ही बात हो रही है। तो बिंदु b के निर्देशांक नहीं पता, a के निर्देशांक हमें पता है, ये है, c के निर्देशांक ये है और b के हमने ये मान लिए, या इसको दो शीर्ष तो ये हो गए। तथा माना तीसरा शीर्ष x, 0 ये हमने मान लिया। अब ये दूरी कितनी आनी चाहिए, ए बी सवाल में दे रखा है 2a। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, आपको दे रखा है इसकी भुजा 2a है, इसका मतलब तीनों भुजाएं ए बी भी 2a है, बी सी और सी ए तीनों ही 2a है, तो भुजा ए बी का मान भी 2a आना चाहिए। तो ए बी की दूरी या लंबाई एक ही बात है, ए से बी की दूरी या लंबाई याद करोगे तो सूत्र है हमारे पास क्या, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 0 - a का स्क्वायर। ये कितनी है लंबाई, 2a दे रखी है सवाल में हमें, ए बी की लंबाई 2a, और यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वर्क करोगे अंडर रूट हटाने के लिए, तो 4a² बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 3a², ये ए स्क्वायर इधर आके कट जाएगा इसमें से, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3a। तो x के हमें दो मान मिल गए, तो इसका जो तीसरा शीर्ष है a बार ले लिया अंडर रूट से, स्क्वायर था वर्गमूल करो तो a बचेगा। तो इसका मतलब ये जो बिंदु b है इसके निर्देशांक प्लस का अंडर रूट 3a, 0 और माइनस वाला है तो इसका माइनस अंडर रूट 3a, 0 ये निर्देशांक होंगे तीसरे शीर्ष के। तो आपसे सिर्फ निर्देशांक पूछे थे, तो प्रथम दो के तो सीधे ही आ गए, और तीसरे का जो हमने माना था x, 0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3a, 0 उधर वाले का प्लस में और इधर वाले का माइनस में, ये आंसर है इसका। इसके बाद में तीसरा सवाल, दो बिंदु दे रखे हैं पी x1 y1 और क्यू x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दे दिए, एक तो P है जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा है Q जिसके निर्देशांक x2 y2। पहला सवाल कहा है कि ये जो PQ है yx के समांतर है, तो PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये तो वाई एक्स है, इसके समांतर है पी क्यू, पी के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और इसके x2 y2। समांतर से हमने पढ़ा है, अगर ये समांतर है तो पी क्यू की ढाल बराबर होगी वाई एक्स की ढाल, ये पढ़ा है हमने। पी क्यू की ढाल क्या आएगी, y2 - y1 / x2 - x1, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा उसकी ढाल का सूत्र पढ़ा है, और वाई एक्स की ढाल भी हमने पढ़ी थी, कितनी आई थी, एक्स एक्स के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है 10 90, कल किया था। वाई एक्स 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 के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का, तो इसकी ढाल क्या होनी चाहिए, 10 90, और 10 90 का मान होता है अनंत, अनंत को लिखते हैं 1/0, है ना। तो वाई एक्स की ढाल होगी 1/0 या अनंत। इसको जब सरल करोगे, तिरछा गुणा करोगे, तो x2 - x1 = 0 तिरछा गुणा किया तो, और यहाँ से हमें मिल गया x1 = x2।
अब हमें सवाल में पूछा है पी क्यू रेखा के बीच की दूरी या पी क्यू की, हाँ पी क्यू के बीच की दूरी, तो पी क्यू की दूरी, दूरी का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये दूरी आनी चाहिए पी क्यू के बीच की। और कंडीशन जो दी थी कि ये वाई एक्स के समांतर है, तो वहाँ से हमें मिल गया एक्स वन और एक्स टू तो बराबर है, तो यहाँ एक्स टू की जगह एक्स वन रख दो, एक्स वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो यहाँ से ये तो जीरो हो गया, अंदर बचा अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो दूरी वाई टू माइनस वाई वन आएगी, मापांक लगा देंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अगर माइनस में आ भी जाए तो मापांक से प्लस में बदल जाएगी वो, तो पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आएगी वाई टू माइनस वाई वन। ऐसे ही अगर ये दूसरा इसने कहा है एक्स 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 के समांतर है, अगर ये एक्स एक्स के समांतर होगी तो पी क्यू की ढाल बराबर एक्स एक्स की ढाल, और एक्स एक्स की ढाल क्या है पी क्यू की ढाल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर एक्स एक्स की ढाल क्या होती है, बहुत बढ़िया, एक्स 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 के साथ कितना कोण बनाती है जीरो डिग्री, तो टेन जीरो, कल बताया था वापस बताना पड़ रहा है, ये तो गलत बात, घर पे जाके नहीं पढ़ते हो क्यों, तो ये तो दिक्कत है ना, फिर वही बात सब्जेक्ट ले लेने से क्या होगा, तुमने सब्जेक्ट अगर ले लिया या तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है मैथ में तो ये कह सकते हो, आपने सब्जेक्ट लिया है तो इंटरेस्ट से लिया है, और इंटरेस्ट है फिर तो ये होना चाहिए भी कौन सा कोई ऐसा सवाल जो आपको नहीं आ रहा हो, जैसे पजल या पहेली का कोई सवाल आपको दे दिया तो पूरे दिन लगे रहोगे सर आंसर तो यही होना चाहिए 200 आना चाहिए, उस दिन तुम ही लगे हुए थे ना वो आंसर, एक बार क्वेश्चन पूछा था तुमसे, हाँ 2000 रुपये वाला, हाँ तो पूरे दिन वो अगले दिन भी सर 2000 होगा क्या 2000 होगा क्या, इंटरेस्ट है इसीलिए आप उसके पीछे पड़े रहते हो, तो इसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा या तो तभी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, है तो घर पे पढ़ो, ऐसे नहीं होगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता, घर पे जाके जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना तो आप करो, कोशिश तो आपकी है वो भी इससे भी ज़्यादा करो, 4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ो घर पे कम से कम, अभी टाइम है, 12th में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, सब कुछ अगर समझ में आ रहा है ना और फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, कुछ नहीं आ रहा हो और फिर आदमी नहीं कर पाए तो एक बहाना होता है कि मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, अब समझ आ गया और फिर नहीं कर रहे हो तो ये तो मूर्खता है ना, पढ़ाई वढ़ाई करो घर पे। तो यहाँ से कल मैंने बताई दिया था एक्स एक्स की ढाल क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो खुद के साथ जीरो डिग्री का कोण बनाती है, तो ढाल किसी भी रेखा की ज्ञात करनी हो तो पहला काम ये है कि वो एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है वो देख लो, एक्स एक्स जीरो डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी ढाल टेन जीरो, वाई एक्स 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी ढाल टेन 90, तो इसकी ढाल एक्स एक्स की आ गई जीरो, ये इसके साथ गुणा करोगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ से आ गया वाई टू माइनस वाई वन बराबर जीरो, यानी वाई वन बराबर वाई टू, अब की बार ये मिल गया। अब पी क्यू रेखा की दूरी पूछी है आपसे तो यही सूत्र है, अब इसमें वाई वन और वाई टू बराबर रखोगे ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये बचेगा, अंडर रूट से स्क्वायर हटाओगे तो इसका मान आ जाएगा पी क्यू की दूरी बराबर मापांक एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी अगर कोई दो बिंदु दे दिए एक्स एक्स वाई एक्स के समांतर इनके बीच की दूरी देखनी है तो सिर्फ वाई निर्देशांक ही देखने हैं वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स एक्स के समांतर दूरी मापनी है तो सिर्फ एक्स निर्देशांक ही देखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, उतार लो।